नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नई नवेली दुल्हन बनने वाली एक लड़की जो है जेल के अंदर, साथ में है उनके पिता भी, जिनसे होने वाली है शादी, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यानी पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी के काट रहे हैं चक्कर। आखिर ये पूरा मसला है क्या, आइए देखते हैं। भारत में किसी बेटी की शादी रुक जाए या फिर टूट जाए तो उससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं माना जाता है। हमारे भारत की बेटी जिसका नाम है नंदिनी, उम्र है 26 साल, इनकी शादी एक तरह से रुक गई है। नंदिनी वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक कार्यकर्ता। इनके पिता भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये दोनों ही आज जेल की हवा खा रहे हैं। जो इनके शौहर होने वाले थे, यानी जो दूल्हा है, वो इनके बेल के लिए दर दर भटक रहा है। नंदिनी ने आखिर ऐसा क्या किया कि इनको जेल जाना पड़ा? नंदिनी ने सवाल पूछा, सवाल सरकार से पूछा, सवाल उन तमाम राजनेताओं से पूछा जो गलतियां करते हैं, सरकार या फिर आप ये कहें जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसी के खिलाफ नंदिनी ने एक मुहिम छेड़ दी है 2014 से। जो सरकारी ठेके हैं तमिलनाडु में, जिनको कहा जाता है टास्मार्क, तमिलनाडु में जितने भी सरकारी ठेके हैं वो प्राइवेट नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी हैं। हमारे कानून में एक धारा है जिसको कहा जाता है आईपीसी 328। इसके तहत साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह का नशीला पदार्थ या फिर जहर नहीं बेच सकते हैं। नंदिनी का भी यही सवाल था कि जो ये आईपीसी की धारा है, इसके तहत आखिर सरकार किस तरह से टास्मार्क नामक दुकानें खोलकर शराब परोस सकती है। नंदिनी ने प्रोटेस्ट कहीं जुलूस निकालकर नहीं किया, कहीं गाली गलौच नहीं करी। नंदिनी और नंदिनी के पिता दोनों ही बस स्टैंड या फिर इस तरह के किसी भी पब्लिक स्पेस पर तख्तियां लेकर खड़े हो जाते थे, खास तौर पर वहां जहां पर ये दुकानें होती थी, यानी शराब के ठेके, सरकारी सरकार शराब के ठेके। तख्तियों में लिखा होता था कि इन दुकानों को बंद कर देना चाहिए, टास्मार्क बैन हो जाना चाहिए और सरकार टास्मार्क यानी जो सरकारी शराब के ठेके हैं इनको कब बंद करने वाली है। इसके चलते एक वकील जिसको वकालत करनी चाहिए थी, जो कर सकती थी, वो कभी वकालत नहीं कर पाई। यानी नंदिनी और इनके पिता के खिलाफ 100 से भी ज़्यादा मामले दर्ज कर दिए गए हैं। हर पुलिस स्टेशन जहाँ जहाँ ये लोग इस तरह के धरने करते थे, धरना सही शब्द नहीं होगा इनके लिए, ये एक शांतिपूर्वक तख्तियाँ लेके खड़े रहते थे, साथ ही साथ पैम्फलेट्स बांटा करते थे। पैम्फलेट्स में ये लिखा होता था कि शराब आपके लिए किस तरह से हानिकारक है और शराब के ये ठेके पूरे समाज में किस तरह से एक नशे की आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। बस यही सवाल था जिसके चलते 2014 में नंदिनी और इसके पिता को गिरफ्तार किया गया था। और इसी केस के चलते तिरुपत्तूर में 27 जून को नंदिनी और उसके पिता की पेशी थी। पेशी में ये कहा गया कि जो आपने इतने सारे जो प्रोटेस्ट करे हैं ये तमाम गलत हैं, आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं सरकार से। नंदिनी ने कहा कि मैं अपना जो सवाल है वो एक बार फिर दोहराना चाहूंगी। आईपीसी के सेक्शन, आईपीसी की धारा 328 के चलते साफ तौर पर ये लिखा गया है कि हिंदुस्तान में आप किसी भी तरह का नशीला पदार्थ, ड्रग या फिर पॉइजन नहीं बेच सकते हैं, तो सरकार ये काम किस तरह से कर रही है और सरकार इस सेक्शन से, इस धारा से कैसे बाहर हो सकती है। बस ये कहना था कि जो वहां की जज साहिबा थी जिनका नाम है सामुंडेश्वरी प्रभा, उन्होंने इन दोनों को ही रिमांड पर भेज दिया जुलाई 9 तारीख तक। जब अगले ही दिन नंदिनी, नंदिनी के पिता के परिवारजन और जो लड़का है जिनसे इनकी शादी होने वाली थी, उनके पूरे परिवारजन कोर्ट पहुंचे, बेल अपील करी। बेल की अपील के चलते जो वहां की जज थी उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि आप हमें एक एफिडेविट लिख के दें, ये कह के कि जो धारा है 328 इसके चलते आप कोई भी सवाल हमसे नहीं पूछेंगे और कहीं पर भी धरना नहीं देंगे, कहीं पर भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप हमें लिख के देते हैं हम आपको बेल दे देंगे। नंदिनी और नंदिनी के पिता
इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नंदिनी और नंदिनी के पिता 2014 से ही इस मुहिम पे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इनके पीछे ना कोई सरकारी तंत्र है, ना इनके पीछे कोई एनजीओ है, ना इनके पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने समाज के कल्याण के हित ये कदम उठाया है जो कि सही है, और हम सब लोग इनके साथ हैं। हम कुछ भी ऐसा लिख के नहीं देंगे। बस इनकी जो बेल की जो अर्जी थी वो भी खारिज हो गई और नंदिनी को अब 9 तारीख तक जेल में ही रहना पड़ेगा। कल यानी 5 जुलाई को जो इनकी शादी होने वाली थी वो भी अब नहीं होने वाली है। जो लड़का है जिससे इनकी शादी होने वाली थी, उनका और उनके परिवार वालों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर 5 तारीख को शादी नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, शादी हमारी जरूर होगी किसी और दिन, यानी 9 तारीख को जब नंदिनी और उसके पिता बाहर आ जाएंगे, एक और तारीख चुनी जाएगी और उस दिन इन लोगों की शादी हम करा देंगे। आप जरा सोच के देखिए, जो हमारा भारत है, भारत में बेटियों की शादियों का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। अगर गलती से भी किसी बेटी की शादी रुक जाती है या फिर पोस्टपोन्ड हो जाती है तो उसको सबसे बड़ा सिन माना जाता है। क्या आपको लगता है कि एक बेटी ने जो सवाल पूछा है, जो कि सही सवाल है, जो हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए था, उसने हिम्मत करके पूछा, जिसके चलते उसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके पिता को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, आखिर क्यों ये सरकार इस पे कुछ नहीं बोलती है? आखिर क्यों कोई भी राजनेता नंदिनी के सपोर्ट पे आकर नहीं खड़ा हुआ? आखिर क्यों कोई भी एनजीओ, कोई भी सामाजिक महकमा इनके साथ नहीं खड़ा हुआ? एक बेटी की शादी रुकने का मामला नहीं है, ये एक सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कानून में लिखा गया है। नंदिनी ने वही सवाल पूछा है। नंदिनी ने ये पूछा है कि जब एक आईपीसी की धारा है हिंदुस्तान के कानून में, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, और ये जो भी सरकारी ठेके हैं ये क्यों नहीं बंद हो सकते हैं? क्या सरकार को शराब, बीड़ी, सिगरेट बेचकर ही हिंदुस्तान को पालना है, या फिर शराब ही सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जिसके चलते हिंदुस्तान की प्रगति हो सकती है? आखिर क्यों शराब हम बंद नहीं कर सकते हैं, या फिर कम से कम इतना तो करें जो सरकारी जो ठेके हैं उनकी संख्याएं कम हो जाएं? एक तरफ सरकार शराब के ठेके बंद नहीं करना चाह रही है, दूसरी तरफ 3,500 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल पूरे तमिलनाडु में बंद होने वाले हैं। इस वजह से क्योंकि वहां पर बच्चे कम हैं, इस वजह से क्योंकि आसपास कुछ और सरकारी स्कूल हैं, इस वजह से कि इन जो ये जो बच्चे हैं ये एक गरीब तबके से आते हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल का ही ऑप्शन है। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूल जब 3,500 सरकारी स्कूल यहाँ पे बंद हो जाएंगे तो इनको मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा। एक तरफ सरकार स्कूल्स बंद कर रही है ये कह के कि वो इसको मैनेज नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ ठेके सरकार और ज्यादा बढ़ाए जा रही है क्योंकि उसको ये लगता है कि यहां से पैसा बहुत आ रहा है। आप हमें ये बताइए, क्या ये 3,500 स्कूल इंपॉर्टेंट हैं, या फिर वो 6,000 से भी ज्यादा सरकारी ठेके जो कानूनन एक अपराध है? एक कानूनन दायरे पे अगर आप देखें तो सरकारी शराब के ठेके बंद हो जाने चाहिए। जो ये कोर्ट है, कोर्ट ने जो 100 मोटो लेके नंदिनी और उसके पिता को अरेस्ट किया है, क्या ये सही है? पिछले साल सितंबर की बात है, जो एच राजा बीजेपी के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो पुदुकोटे नामक एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, गणेश चतुर्थी का जो प्रोसेशन होता है वो निकालना चाहते हैं एक ऐसे इलाके से जो संवेदनशील है, मुस्लिमों का इलाका है, वहां से ये लेके जाना चाहते हैं जबरन। जब पुलिस वालों ने उनको रोका कि आप ये नहीं कर सकते हैं, जो इलाका है ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, इससे भी वो नहीं माने, जब उनको मजबूरन उनको ये लगा कि ये लोग हमें नहीं अंदर जाने देंगे तो गाली गलौज पर उतर गए, पुलिस वालों को गालियां दी, कोर्ट को गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको उन्होंने लपेटे में ले लिया, लेकिन तब भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। नंदिनी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि नंदिनी ने सवाल पूछा। एक और तरफ से अगर आप देखें, बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है तमिलनाडु की, जिनका नाम है तमिलसई सौंदरराजन,
उन्होंने भी बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट किया था एयरपोर्ट के अंदर। फ्लाइट से जब वो वापस आ रही थी तो लुइस सोफिया नामक एक लड़की थी जिन्होंने नारा लगाया ये कह के कि बीजेपी फासिस्ट है। तमिल से सौंदर राजन के खिलाफ भी किसी भी तरह का अरेस्ट वारंट नहीं निकाला गया, जो कि उन्होंने इतना ज्यादा तमाशा क्रिएट किया था, इतने सारे लोग वहां पर प्रभावित हुए थे, तब भी कोर्ट ने किसी भी तरह का सुमोटो नहीं लिया। लेकिन नंदिनी के खिलाफ सुमोटो ले लिया क्योंकि नंदिनी ने सवाल पूछा। हम भी सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल कि जब एक आईपीसी की धारा 328 है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि आप किसी भी तरह का नशीला पदार्थ, ड्रग, पॉइजन आदि नहीं बेच सकते हैं, तो सरकारी विभाग, सरकारी महकमा एक ठेका बनाकर, एक शराब का सरकारी ठेका बनाकर आखिर किस तरह से बेच सकता है? अगर आपको अरेस्ट करना है तो आप उन तमाम लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं जो इस सवाल को बार बार दोहराने वाले हैं। शराब किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। शराब की बोतल में ही लिखा होता है कि शराब हानिकारक है। आप एक तरफ ये लिखते हैं इश्तेहार और दूसरी तरफ आप ही उसको बेचते भी हैं। ये कहाँ का न्याय है? नंदिनी को न्याय मिलना चाहिए, नंदिनी के पिता को न्याय मिलना चाहिए। नंदिनी कल ही बाहर आ जाए और उनकी शादी भी हो जाए, यही हम आशा करते हैं। अगर नहीं भी होता है तो जिस तरह से दुल्हे ने ये कहा है कि हम 9 तारीख के बाद भी हम शादी करेंगे, तो उस तरह से हो, लेकिन जो हुआ है वो निंदनीय है। जो तिरुपत्तूर कोर्ट में हुआ वो शर्मसार है, इतना ज्यादा शर्मसार कि हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जिसके घर में बेटी है, बहू है, वो आज सर झुका के खड़ा है। आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को उतना शेयर करेंगे कि इन बहरे जो कानून के जो रखवाले हैं इनके कानून तक पहुंचे और नंदिनी को बिना किसी शर्त रिहा कर दिया जाए। बने रहे हमारे साथ दुरुस्त न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।